दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाई हीरा बैंकेट हॉल फुली एयर कंडीशनर एट सैयद अली चबूतरा नियर शाहगौस होटल। वेलकम टू 18 तेलंगाना न्यूज। लॉकडाउन इन इंडिया और नॉट, एक्सप्लेन पीएम नरेंद्र मोदी। व्हाई लॉकडाउन इम्पोज्ड लास्ट ईयर एंड व्हाई नॉट दिस ईयर। वॉच हिलेरियस रिएक्शन सीएम केजरीवाल ऑन पीएम मोदी स्पीच। CM KCR also participate in the meeting. PM Modi appeals to state CMs to focus on testing to stop spreading the virus. सत्विन तमाम चुनौतियों के बावजूद हमारे पास पहले की अपेक्षा बेहतर अनुभव है, पहले की अपेक्षा अच्छे संसाधन है और अब एक वैक्सीन भी हमारे पास है। जन भागीदारी के साथ साथ हमारे परिश्रमी डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स, हेल्थ केयर स्टाफ ने स्थिति को संभालने में बहुत मदद की और आज भी कर रहे हैं। आप सभी में अपने पहले के अनुभवों का प्रभावी ढंग से उपयोग अपेक्षित है। अब आप कल्पना कीजिए कि गत वर्ष इन दिनों में हमारे हाल क्या थे। हमारे पास टेस्टिंग लैब नहीं थे, इवन मास्क कहां से मिलेगा ये भी एक चिंता का विषय था, पीपी किट नहीं था और उस समय हमारे लिए बचने का एकमात्र साधन बचा था लॉकडाउन, ताकि हम व्यवस्थाओं को एकदम से जितना तेजी से बढ़ा सके और वो हमारी स्ट्रेटेजी काम आए, हम व्यवस्थाओं को बना सके, संसाधन खड़े कर पाए, हमारी अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाई, दुनिया से जहां से प्राप्त कर सकते कर पाए और लॉकडाउन के समय का हमने उपयोग किया। लेकिन आज जो स्थिति है, आज जब हमारे पास सब संसाधन है तो हमारा बल, और ये हमारे गवर्नेंस की कसौटी है, हमारा बल माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर होना चाहिए। छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन पे सबसे ज्यादा होना चाहिए। जहां पर रात्रि कर्फ्यू का प्रयोग हो रहा है वहां मेरा आग्रह है कि उसके लिए शब्द प्रयोग हमेशा करें कोरोना कर्फ्यू, ताकि कोरोना के प्रति एक सजगता बनी रहे। कुछ लोग ये इंटेलेक्चुअल डिबेट करते हैं कि क्या कोरोना रात को ही आता है, हकीकत में दुनिया ने भी ये रात्रि कर्फ्यू के प्रयोग को स्वीकार किया है, क्योंकि हर व्यक्ति को कर्फ्यू समय होता है तो याद आता है कि हाँ मैं कोरोना काल में जी रहा हूं और बाकी जीवन व्यवस्थाओं को कम से कम प्रभाव होता है। हाँ, अच्छा होगा कि हम कोरोना कर्फ्यू रात को 9 बजे शुरू करें या रात को 10 बजे शुरू करें और सुबह 5-6 बजे तक चलाएं, ताकि बाकी व्यवस्थाओं को प्रभाव ज्यादा न हो और इसलिए उसको कोरोना कर्फ्यू के नाम से ही प्रचलित करें। और कोरोना कर्फ्यू एक प्रकार से लोगों को एजुकेट करने के लिए काम आ रहा है, अवेयरनेस के लिए काम आ रहा है, तो हमने इसके तरफ ध्यान देने के। लेकिन मैंने पहले कहा, अब हमारे पास व्यवस्था इतनी हो चुकी है, माइक्रो कंटेनमेंट जोन उसी पर बल दीजिए, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। हाँ, उसमें जरा सरकार को थोड़ी मेहनत ज्यादा पड़ती है, गवर्नेंस को टाइट रखना पड़ता है, हर चीज को माइन्यूटली ऑब्जर्व करना पड़ता है, लेकिन ये मेहनत रंग लाएगी, ये मुझ पर विश्वास कीजिए। दूसरी बात है, हमने पिछली बार कोविड का आंकड़ा 10 लाख एक्टिव केसेस से 1.25 लाख तक नीचे लाकर दिखा दिया था। ये जिस रणनीति पर चलते हुए संभव हुआ वो आज भी उतने ही सटीक है। और मजा देखिए, उस समय सफलता हम ही लोगों ने पाई थी, तब संसाधन भी कम थे, आज तो संसाधन ज्यादा है और अनुभव भी ज्यादा है और इसलिए हम इस पीक को बहुत तेजी से नीचे ला सकते हैं, पीक को ऊपर जाते रोक भी सकते हैं। और अनुभव कहता है कि टेस्ट ट्रैक ट्रीट, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और कोविड मैनेजमेंट, इन्हीं चीजों पर हमें बल देना है। और आप देखिए,
अब एक विषय ऐसा आया है, मैं आप सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि आप अपने राज्य की मशीनरी के द्वारा थोड़ा अगर एनालिसिस करें, सर्वे करें, और एक सवाल का जवाब हमें मिल सकता है क्या? मैं इसको सवाल के रूप में कह रहा हूं। होता क्या है कि इन दिनों कोरोना में, ये थोड़ा वेरिफिकेशन का विषय है लेकिन आप ही उसको राज्य में करवा सकते हैं, पहले कोरोना के समय क्या होता था, हल्के फुल्के सिम्टम्स पे लोग डर जाते थे तो तुरंत एक्शन लेते थे। दूसरा, इन दिनों बहुत पेशेंट असिम्टोमेटिक